गुड मॉर्निंग बेटा। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। हम पिछली कक्षा में बेटा वर्ण विचार पढ़ रहे थे, जो दो कक्षा आपकी हिंदी की हुई उसमें। तो हमने वर्ण किसे कहते हैं, वर्ण माला क्या होती है, वर्ण कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के हैं, ये सारा पढ़ा। आज हम वर्ण से संबंधित जो ध्वनियां पढ़ रहे थे, या जैसे ए हुआ, उसकी विशेष मात्राएं पढ़ी हमने, या स्वर कितने प्रकार के हैं, फिर व्यंजन कितने हैं और व्यंजन के भेद। हाँ बेटा, हिंदी ग्रामर है, हिंदी हिंदी ग्रामर का ही तो पार्ट चल रहा है। आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाई थी ना पिछले लेसन, उसमें क्लास में। चुप रहे। वर्ण विचार वाला जो आपका चैप्टर है वो चल रहा था ना आपका। देखो, संयुक्त व्यंजन है, द्विज व्यंजन है, अल्प प्राण, महाप्राण, ये मैंने आपको इनके बताए थे। वर्णों के उच्चारण स्थान बताए थे, कंठ, तालु, मूत्रा, दंत, ओष्ठ, नासिका, फिर दंत और ओष्ठ से कौन चल चल। ठीक है, अब देखिए बेटा, आपका ये जो थोड़ा सा पार्ट था ये रह गया था इससे आपकी क्लास में। तो देखिए, अघोष और सघोष ध्वनियां कौन सी होती है व्यंजन में। अब देखिए, जब हम किसी भी वर्ण को उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो उस समय हमारी स्वर तंत्रियों से स्पर्श करते हैं, और बोलते समय जो हमारी स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, उस कंपन के आधार पर वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, दो वर्गों में विभाजित किया गया है। और वे दो वर्ग कौन कौन से हैं, अघोष और सघोष। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है, ए मतलब यानी नहीं है, निषेधात्मक वर्ण है, और घोष मतलब गूंज या कंपन, यानी जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहते हैं, और जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में कंपन होता है उसे हम सघोष कहते हैं। अब अघोष वर्ण कौन कौन से हैं और सघोष वर्ण कौन कौन से हैं, यानी बोलते समय जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं और करते समय हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं अंदर, उन स्वर तंत्रियों में यदि कंपन हो रहा है तो वो क्या होगी, गूंज हो रही है, जिनमें जिनको बोलते समय हमें अपने कानों पर हम उंगली लगाकर उन्हें महसूस कर सकते हैं, अपनी स्वर तंत्रियों की गूंज को या कंपन को, वे तो सघोष हो गई। और जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमें गूंज महसूस नहीं हो रही, अनुभव नहीं हो रही, वो अघोष। तो अघोष वर्ण ऐसे कौन से हैं जिनमें गूंज या कंपन नहीं होता, वे हैं प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे वर्ग पांच बताए थे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, वर्ग, इन पांचों वर्गों का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है बेटा, अघोष वर्ण कहलाता है। और इसके अलावा शेष शलगम, शेष षटकोण और शेष सपेरा, ये तीन वर्ण भी क्या होते हैं, अघोष होते हैं, अर्थात इनको उच्चारित करते समय स्वर तंत्र। मैं कौन सी क्लास का पढ़ा रहे हो, कौन सी क्लास का पढ़ा रहे हो? तीनों क्लासे कंबाइंड है ना बेटा, 6th, 7th, 8th की। अच्छा मैम, और आपका सेकंड चैप्टर जो था वर्ण विचार वही तो चल रहा है, उसी के एंड में है ये, उसी का डिटेल में समझा रही हूँ मैं आपको। बस मैं एंड का तो घोष तो लिखा ही नहीं है, घोष संघोष अभ्यास प्रश्न तो लिखा है, वो केवल मैं आपको समझा रही हूँ। आपके 8th क्लास में जब आप जाओगे ना तो ये डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है ना। 6th और 7th में ये पार्ट नहीं है, लेकिन उन्हीं के जो भेद है वो बता रही हूँ मैं आपको, कि अघोष का मतलब क्या होता है और सघोष। मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया, अघोष ध्वनियां कौन सी है और सघोष कौन सी है, तो फिर आप क्या लिखेंगे उसमें, ठीक है ना बेटा। तो जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है, गूंज होती है कानों में, वे होती है सघोष। अब ये देखिए, हर कर्ण का जो वर्ग का पहला और दूसरा, पहला दूसरा वर्ण सामने आ रहा है यानी वो अघोष में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा किसमें चला जाएगा, सघोष में, ठीक है। और जो अंत में आपके वर्ण बचते हैं, कौन कौन से वर्ण हैं, तीसरे, चौथे, पांचवे के अलावा, ये, रे, ले, वे, फिर है, ड और ढ, ये वर्ण क्या कहलाते हैं बेटा, सघोष कहलाते हैं। और इनके अलावा जितने स्वर हैं आपके, वो सारे स्वर वर्ण किस वर्ग में जाएंगे, सघोष वर्ग में जाते हैं। अब देखिए बेटा, इसके बाद आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। हमने हमारा वर्ण विचार जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो गया,
अब इसके बाद क्या क्वेश्चंस बनते हैं, किस तरह से बनते हैं, देखिए ये क्वेश्चन के प्रकार है आपके। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं आपके कि निम्न में से कंठ वर्ण नहीं है, यानी ऐसा वर्ण बताओ जिसका उच्चारण कंठ से नहीं होता है। तो आपको जो वर्णों के उच्चारण स्थान दिए हुए हैं, उन वर्णों के उच्चारण स्थान के आधार पर इन वर्णों में क्या है, देखिए छह है और घे, यानी एक तो ए आ स्वर कंठ तालु मूर्धा दंतोष्ठ नासिका, इस तरीके से जो वर्ग बताए थे उच्चारण स्थान आपके, उसके अनुसार जो पहला है कंठ, कंठ में देखिए ए आ दो स्वर आते हैं आपके, फिर के खे गे घे ये सारा के वर्ग है वो आते हैं आपके वर्ण सारे, और एक ए आता है। हाँ बेटा मैम मेरे तो दूसरा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन है, मैं सिर्फ प्रकार समझा रही हूँ प्रश्नों के आपको कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके। अब आपको पूरा चैप्टर समझा दिया मैंने, सारा डिटेल में बता दिया, तो आप जैसे आपके मान लीजिए इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए आपके आ जाता है कि निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है, तो आपके आ जाता है मान लीजिए क आ गया, ये बाकी ऑप्शन अलग अलग आ गए, च आ गया, ज आ गया, ड आ गया, तो फिर आपके कंठ वर्ण कौन सा होगा, क्या जो आपके उच्चारण स्थान की तालिका दे रखी है बेटा, उस तालिका में जाइए, उस तालिका में देखो कंठ वर्ण कौन कौन से उसमें लिखे हुए हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, देखो आपकी तालिका के अकॉर्डिंग यदि हम कंठ वर्ण की तालिका में जाते हैं ना उच्चारण स्थान के आधार पर, ये देखिए आपके उच्चारण स्थान है, तो आपको प्रश्नों के उत्तर कैसे मिलेंगे, ये देखिए कंठ वर्ण कौन कौन से है, ए आ, ये के खे गे घे ये सारे है, ठीक है। तो इसके अलावा जो तीसरा वर्ण है कि कंठ वर्ण नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या था, कंठ वर्ण नहीं है, तो कंठ वर्ण जय नहीं था उसमें, क्यों, क्योंकि जय क्या है, ये देखिए तालु वर्ण है, तो वो कंठ कैसे हो सकता है यदि वो तालु वर्ण है। तो इस तरीके से आपको अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, ठीक है। ये केवल मैंने आपको प्रश्नों के प्रकार बताए हैं। आप देखिए जैसे मान लीजिए तीसरा सेकंड क्वेश्चन आपका आ रहा है, निम्नलिखित में स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन मैंने आपको कौन कौन से बताए थे, पांचों वर्गों के जो पांच पांच वर्ण 25 वर्ण थे, क्या क्या गय गण है, चय छ जयी है, ट ख डण है, ट थ ड है, ठीक है, और फिर प प प भन है, ये सारे वर्ण क्या थे, स्पर्श व्यंजन थे। अब जितने मैंने आपको बताए पांचों वर्गों में, यहाँ देखिए ये शय है, ये तो इनमें से तो कोई सा स्पर्श व्यंजन में नहीं आया, तो आपका क्या है, त वर्ग का जो तय है वो क्या है बेटा, स्पर्श व्यंजन है। इस तरीके से आप प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे, ठीक है। आप देखिए निम्न वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए, तो आप कैसे लिखेंगे, जो आपके उच्चारण स्थान की तालिका है उसके आधार पर आप इनको डिवाइड करेंगे कि कै किस वर्ग में आता है, कै वर्ग में आता है, तो कै वर्ग के उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, प का क्या है, ट का क्या है, च का क्या है, ई न है, जे, ये जितनी भी वर्ण है, जैसे जय है, जय क्या है, तालु वर्ण है, ठीक है, है ये कंठ वर्ण है आपका, ठीक है, चय है, मूर्धा है आपका, ये पीछे ये चाना मूर्धा, ये आपके ई, ई भी क्या है, मूर्धा है, इस तरीके से। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं बेटा, वर्ण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, तो आपको वर्ण की परिभाषा लिखनी है और फिर कौन कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आ जाते हैं वो दो तीन वर्ण आपको लिख देने हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, जैसा वर्णों का डिवाइडेशन किया था अपन ने, भेद बताए थे। हाँ बेटा क्या समझ में नहीं आया, देखिए सेकंड क्वेश्चन है स्वर कितने हैं, तो आपके स्वर कितने बताए थे, ऋष्व दीर्घ और प्लुत, तीन प्रकार के बताए थे और तीनों के एक एक उदाहरण दे दीजिए उसमें। फिर अयोगवा से क्या तात्पर्य है, यानी हम अयोगवा किसे कहते हैं, आपके अयोगवा कौन कौन से दे रखे थे, अनुस्वार दे रखा था, विसर्ग दे रखा था, अनुनासिक दे रखा था, ये वर्ण क्या है आपके अयोगवा है। आप बेटा आरिश खान बोलिए, क्या नहीं समझ में आया आपको, आवाज नहीं आ रही आपकी, और ये अयोगवा कितने हैं वो लिख देना बस इसमें। फिर व्यंजन मुख्य थे कितने प्रकार के होते हैं, तो आपके व्यंजन बता के, जैसे स्पर्श व्यंजन है, फिर आपके उष्म व्यंजन है, ठीक है, ये अंतस्थ है, ये सारे जो बता रखे हैं ना वो व्यंजन के प्रकार हैं, अब उनके नाम लिख दीजिए और उनके उदाहरण डाल दीजिए। फिर संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, द्विपद व्यंजन कौन से होते हैं, उनके दो दो उदाहरण लिख दीजिए,
इस तरीके से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे सिक्स क्लास में अलग प्रकार से क्वेश्चन है, सेवन्थ में अलग प्रकार से है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे बेटा, मैम दसवां क्वेश्चन कैसे करना है? दसवां क्वेश्चन, दसवां क्वेश्चन है बेटा, देखो श्रेय और श्रेय, ये दो दो शब्द बनाइए, यानी श्रेय से एक शब्द बना श्रमित, दूसरा बना श्रम, ठीक है। ऐसे दो शब्द बना लो, श्रृंगार श्रृंग, ऐसे दो दो शब्द बनाने हैं बस इनके। अब ये देखिए नंबर क्वेश्चन, देखो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के भेद, उच्चारण के आधार पर कितने प्रकार के व्यंजन हुए हैं आपके, पहले उच्चारण के अनुसार बता रखे हैं सारे, ठीक है ना। उच्चारण स्थान के अनुसार देख लो कितने व्यंजन के भेद कैसे हुए, देखिए ये उच्चारण की तालिका दे रखी, और नौ वर्गो में बांटा गया है इसको, कंठ तालु मूर्ते दंत ओष्ठ नासिक के दंत ओष्ठ कंठ ओष्ठ और कंठ ताल, ठीक है बेटा। मैम ये पूरा लिखना है, ये नाम लिखने हैं बेटा, कंठ है तालव है, इन्होंने ये पूछा है ना आपको कितने भेद बताए हैं, तो नौ भेद हो गए ना, नौ वर्गों में बांट दिया ना उच्चारण के स्थान। मैम इसके आगे जो लिख रहे हैं वो थोड़ी लिख ले, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, ये तो उदाहरण है, और उदाहरण का मतलब ये है इनका कि कंठ वर्ण, मान लीजिए आपके क्वेश्चन आ गया कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं लिखिए, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे लिखेंगे, ये उदाहरण लिखेंगे, आइए वर्ण लिखोगे तभी तो पता चलेगा कंठ वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये तो आपको बताया है कि कंठ जी मैम का उच्चारण करते हैं, ठीक है ना। मैम एग्जाम, मैम एग्जाम क्या स्कूल खुलते हैं क्या? हाँ कभी भी हो सकते हैं, आप अपनी तैयारी रखो, जो जो आपको समझाया जा रहा है आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखो, ठीक है बेटा। देखो आज अपना वर्ण विचार जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, हमने वर्ण किसे कहते हैं, कैसे वर्णों की रचना होती है, ये सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए वर्णों से क्या बनाते हैं, सबसे पहले हमने भाषा पढ़ी थी, अब भाषा के बाद वर्ण, वर्णों के बाद क्या है, वर्णों से ही शब्दों का निर्माण होता है, ठीक है। जैसे कै एक वर्ण है, मैं एक वर्ण है, लय एक वर्ण है, ठीक है। अब वर्णों से क्या बनते हैं बेटा, शब्द। अब आपका तीसरा टॉपिक है यहाँ पर शब्द विचार, अब शब्द विचार किसे कहते हैं, शब्द मैंने आपको बता दिया कि वर्णों के मेल से जो बनते हैं वो क्या होते हैं, शब्द होते हैं, और विचार का मतलब शब्दों के विषय में जो विचार करते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, शब्द विचार के अंतर्गत। अब शब्दों के विषय में हम क्या विचार करते हैं कि शब्द किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्दों का नए शब्दों में रूपांतरण किस तरीके से होता है और क्या होता है, फिर उसके बाद में शब्दों की व्युत्पत्ति कैसे होती है, व्युत्पत्ति का क्या अर्थ होता है, रचना, यानी शब्द कैसे बनाए जाते हैं। अब सबसे जानने योग्य बात यह है कि हमने वर्णों से शब्द तो बना लिए, लेकिन हमारी भाषा के लिए वे शब्द उपयुक्त भी होने चाहिए, उपयुक्त यानी हमारे जो शब्द है वो सार्थक बनने चाहिए, इसका हमें ज्ञान होना चाहिए। तो वो ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, जब हम शब्द विचारों के विषय में पूरा अध्ययन करेंगे या शब्दों के विषय में विस्तृत रूप से विचार करेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे शब्द की परिभाषा, ये शब्द कहते किसे हैं, एक या अनेक वर्णों की स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। अब वर्ण क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, जैसे कै च ट त प ए आ, ये क्या है, वर्ण है। अब ये अनेक वर्ण है, अब इन स्वतंत्र वर्णों से क्या बनाएंगे हम, एक सार्थक ध्वनि, सार्थक मतलब वर्णों को मिलाकर, सार्थक यानी अर्थ से युक्त, जिसका सही और निश्चित अर्थ निकले, ठीक है, वो क्या होता है, सार्थक। तो सार्थक ध्वनियां ही शब्द होती है, जैसे प एक वर्ण है, स एक वर्ण है, त एक वर्ण है, लेकिन हमने उनको सही तरीके से क्रम पूर्वक मिलाया, उनका योग किया, तो हमारे पास शब्द बना पुस्तक। अब पुस्तक क्या होती है, किताब, जिससे हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। ऐसे ही वायु एक शब्द है, जल एक शब्द है, इनका सभी का निश्चित अर्थ है कि जल क्या चीज होती है, वायु क्या होती है, ठीक है। तो जिनका सही अर्थ निकले ऐसी ध्वनियां, यानी सार्थक ध्वनियां, अर्थात वर्णों के सार्थक मेल को ही हम शब्द कहते हैं, यानी वर्णों को इस तरह से मिलाया जाए कि उनका सही सही अर्थ निकले। अब देखिए शब्द के भेद आते हैं इसके बाद, तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर ही देखते हैं, क्यों, क्योंकि जब हमको परिभाषा में ये बताया गया है कि जो वर्ण हम मिलाएंगे क्रम पूर्वक, तो वर्ण इस प्रकार से मिलाने होंगे कि उनका सही अर्थ निकले, तो सबसे पहले हम अर्थ के आधार पर ही शब्दों के भेद देखेंगे। तो अर्थ के आधार पर साधारण रूप से शब्द के भेद होते हैं दो, पहला सार्थक, यानी जो अर्थ से युक्त है, जिसका निश्चित कोई अर्थ निकलता हो, बोध होता हो, और दूसरा निरर्थक, यानी वे शब्द जिनका कोई खास अर्थ
या अर्थ का बोध हमें नहीं होता। जैसे खाना वाना, खाना तो एक निश्चित अर्थ है कि खाना क्या है, भोजन है, लेकिन वाना क्या है, वाना का कोई अर्थ नहीं है। वैसे तो देखो हिंदी की व्याकरण के अनुसार वाना का भी अर्थ निकलता है, यहाँ वाना का निश्चित वैसे अर्थ नहीं लिया जाता है, लेकिन वाना का अर्थ होता है आदि इत्यादि, इसके अनुसार यानी खाना वाना ले आओ। जैसे हमने वाक्य बोल दिया जाओ मेरे लिए खाना वाना ले आओ, तो लाएंगे तो खाना ही, लेकिन वाना का मतलब हो गया आदि इत्यादि, आदि इत्यादि से मतलब खाने की वैरायटी ले आओ, जो जो चीजें बनी है। ठीक है, तो इसका कोई निश्चित अर्थ तो नहीं है, लेकिन बस हम खाने के समूह को प्रकट करता है ये पूरा खाना, कंप्लीट भोजन जो हमें करना है। तो वे शब्द सार्थक कहलाते हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ हमें पता चले या निश्चित अर्थ का हमें बोध हो। जैसे लोटा, एक वर्ड हमने बोल दिया लोटा, अब लोटा किसको कहेंगे हम? ग्लास को तो लोटा नहीं कहेंगे, चम्मच को तो लोटा नहीं कहेंगे, केवल लोटे को लोटा क्यों कहेंगे, उसी का नाम लोटा क्यों है? अर्थात कांसी या पीतल, तांबे से बनी हुई धातु का कोई एक बर्तन जिसे जिसका अर्थ है लोटा, यानी इस धातु से बने बर्तन का बोध होता है हमें। जैसे हमारे मुंह से निकला लोटा तो हम समझ जाते हैं कि धातु से बना हुआ ये कोई ऐसा बर्तन है। तो ये शब्द क्या है, हमारी बोलचाल की भाषा में इनका हम प्रयोग नित्य प्रतिदिन करते हैं। तो ये लोटा शब्द क्या है बेटा, प्रसिद्ध हो गया कि इसी बर्तन का नाम लोटा है, ये सार्थक शब्द है, इसका एक निश्चित अर्थ निकलता है। इस तरह से पुस्तक, अगर हम बोले कि पुस्तक ले आओ, तो पुस्तक आप लोटा थोड़े ले आओगे या ग्लास थोड़े ले आओगे या चम्मच थोड़े लेके आ जाओगे, आप क्या लाओगे, हमारे अध्ययन के लिए जो आवश्यक है वो पुस्तक ही लेकर आओगे, किताब भी लेके आओगे। क्यों? क्योंकि ये पुस्तक शब्द उसी के लिए प्रसिद्ध है, उसी के लिए निश्चित किया गया है। ऐसे ही जल आदि ये क्या है बेटा, सार्थक शब्द है। अब निरर्थक, जैसा अभी मैंने बताया, ऐसे शब्द जिनका कोई खास या निश्चित अर्थ का बोध नहीं है, लेकिन हम हमारी बोलचाल की प्रतिदिन भाषा में उनका सार्थक शब्दों के साथ प्रयोग करते हैं। जैसे वाना, खाना वाना, ऐसे कल, ये केवल किसी ध्वनि का अनुसरण मात्र है, यानी ये वर्ण तो है और वर्णों का मेल भी है, लेकिन सार्थक मेल नहीं है, यानी इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा है। ठीक है, ध्वनि का क्या अर्थ होता है, वर्ण, वर्णों को ही तो हम ध्वनि कहते हैं, इन ध्वनियों का अनुकरण है, यानी ये ध्वनियां तो हैं सभी, लेकिन इन ध्वनियों का कोई निश्चित अर्थ प्रकट नहीं हो रहा, निश्चित अर्थ का बोध नहीं हो रहा, इसलिए ये निरर्थक कहलाते। तो बाली लेगी पीछे ना पूरा, तो अच्छा तुम्हारी को नहीं होगी बेटा, अपना माइक बंद करो। सेजान, सोफिया, माइक बंद कीजिए अपना। ठीक है बेटा, ये हो गया अर्थ के अनुसार आपके शब्दों के दो भेद, सार्थक और निरर्थक, यानी जिनका सही निश्चित अर्थ का बोध हो हमें वो सार्थक, जिनके निश्चित अर्थ का बोध नहीं हो वो निरर्थक। लेकिन जब हम व्याकरण का अध्ययन करते हैं बेटा, तो व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि यदि मान लीजिए मैं बोल दूं मेरे लिए वाना ले आओ, तो आप सही अर्थ थोड़ी समझेंगे उसका। तो हम जो भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमारे वे शब्द जो है वे सार्थक होने चाहिए और निश्चित क्रम में संयोजित किया जाना चाहिए, तभी हमारी भाषा परिशुद्ध बनती है। अब देखिए इसके बाद आते हैं शब्दांश। ये शब्दांश क्या चीज है, यानी शब्दों के ऐसे अंश, ऐसी ध्वनियां या ऐसे शब्दों के अंश जिनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जब वे दूसरे शब्दों के साथ मिल जाते हैं, दूसरे शब्दों के साथ मिलकर वे अंश क्या करते हैं, एक नया शब्द बनाते हैं, और नया शब्द जो बन जाता है उसका निश्चित और सही अर्थ प्रकट होता है। जैसे मान लीजिए इनके अंतर्गत आते हैं हमारे पास उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय कैसे, जैसे उपसर्ग से देख लेते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं प्र उपसर्ग। ठीक है, अब इस प्र उपसर्ग का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, तो ये प्र क्या है, शब्दांश है, यानी अपना खुद का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता इन शब्दांशों का, लेकिन जब ये दूसरे शब्द के साथ जुड़ जाते हैं तो जो नया शब्द बनाएंगे उस नए शब्द का निश्चित अर्थ निकलेगा, यानी उस ध्वनि का सार्थक अर्थ का हमें बोध होगा। जैसे प्र उपसर्ग है, प्र का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन इस उपसर्ग को जब हम यत्न के पहले जोड़ देंगे, उपसर्ग तो पहले ही जुड़ते हैं ना, तो यत्न के पहले जब हम जोड़ देंगे तो हमारे पास शब्द क्या बन जाएगा, प्रयत्न,
और प्रयत्न का क्या अर्थ होता है? कोशिश करना, तो उसका निश्चित अर्थ निकल गया। ऐसे ही मान लीजिए परा, जय के आगे हमने जोड़ दिया परा, तो पराजय। परा का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन जब जय के साथ हमने परा को जोड़ा पहले इसके, तो पराजय यानी हार, ये निश्चित अर्थ निकल गया। ऐसे ही हम प्रत्यय जोड़ते हैं बच, बच एक शब्द है, बच का कोई निश्चित अर्थ नहीं है। जैसे पन है, पन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, लेकिन जब बच के साथ हमने पन प्रत्यय जोड़ दिया तो शब्द क्या बना? नया बचपन। और बचपन का सही अर्थ निकलता है कि एक अवस्था है। ऐसी मिठाई, ये जुड़ गया वाला, मिठाई वाला, प्रयत्न पराजय बचपन, ये बताई दिया आपको मिठाई वाला। अब ये सार्थक ध्वनियां हो गई, अलग अलग होने पर इनका निश्चित अर्थ नहीं निकल रहा था, उपसर्ग का और प्रत्यय का दोनों का ही। लेकिन जब ये अन्य शब्दों के साथ जुड़े और नया शब्द इन्होंने बनाया, तो उस नए शब्द का निश्चित और सार्थक अर्थ निकल जाता है। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? शब्दांश। यानी ये स्वयं शब्द नहीं है, ये केवल शब्दों के अंश मात्र है, तो इनका खुद का कोई निश्चित अर्थ नहीं है, बल्कि दूसरे शब्द के साथ जुड़कर ये एक सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं। अब देखिए बेटा, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के भेद, ये तो हमने पढ़े थे अर्थ के आधार पर दो, सार्थक और निरर्थक। अब हम पढ़ेंगे व्युत्पत्ति की दृष्टि से। व्युत्पत्ति का अर्थ क्या होता है? रचना करना या बनावट, यानी कौन सा शब्द कैसे बनेगा, ठीक है, और उसका क्या अर्थ होगा। अब देखिए व्युत्पत्ति यानी रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के भेद है रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, तीन भेद है। अब रूढ़ का क्या अर्थ है, यौगिक का क्या मतलब होता है, और योगरूढ़ का क्या अर्थ होता है? देखिए ये परिभाषाएं समझेंगे। रूढ़ क्या होते हैं? वे शब्द जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते, या जिनके खंड का कोई विशेष अर्थ नहीं होता है, किंतु किसी विशेष वस्तु के सिद्ध हो जाते हैं। जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं इनके यदि टुकड़े कर दोगे आप, तो इनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलेगा। दूसरी बात, ये अन्य शब्दों के साथ मिलकर भी नहीं बनते हैं, जैसे धर्म है, अर्थ है, मोक्ष है, इनके साथ कोई दूसरा शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। धर्म केवल दो वर्णों से ही बना है, ठीक है, और ये रह बीच में धर्म, तो धर्म बना है इससे। ये अन्य शब्दों के साथ तो नहीं बने मिले। हाँ बेटा, क्या समस्या है? वसीम बोलिए। वसीम, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है बेटा? क्या समझ में नहीं आया? देखिए रूढ़ क्या है, ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के योग से भी नहीं बने और जिनके खंड का यानी टुकड़े होने पर भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। देखिए मैंने उदाहरण बताया आपको, धर्म। धय क्या है? एक वर्ण है, न कि कोई शब्द है। और म भी क्या है? एक वर्ण है, न कि कोई शब्द है। इसका मतलब दो शब्दों से भी नहीं मिलके बना है और इनके टुकड़े होने पर भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन इसकी क्या विशेषता होती है रूढ़ शब्दों की, कि ये शब्द किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध होते हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया काला या घोड़ा या जल, ठीक है, ना तो ये दो शब्दों से बने, ना ही इनके अलग अलग घो का कोई अर्थ नहीं होता और ढा का भी कोई अर्थ नहीं होता अलग अलग करने पर, टुकड़े करने पर या खंड करने पर। लेकिन जब हमने इसको घोड़ा जोड़ के शब्द बना दिया, तो ये घोड़ा किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है शब्द? हम घोड़ा बोलते हैं, किसको घोड़ा कहते हैं? हाँ बेटा, ठीक है, तो जिस वस्तु के लिए प्रसिद्ध होते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ऐसे यौगिक, देखो यौगिक का अर्थ होता है जोड़ना, योग करना, जैसे आप मैथमेटिक्स में करते हैं योग करना यानी जोड़ना, यौगिक के नाम से लग रहा है जोड़ना। यानी ऐसे शब्द जो उपसर्ग, प्रत्यय, संधि से, समास के द्वारा या अन्य किसी दूसरे शब्दों के योग से बन जाते हैं। जैसे पाठशाला में देखिए दो शब्द है, पाठ और शाला। अगर पाठ कहेंगे तो हम कहेंगे किसी बुक का चैप्टर है, ये पाठ है या पढ़ना है, पाठ एक धातु भी है, ठीक है। शाला का अर्थ क्या है? एक रूम, ठीक है, या हम कहेंगे दो शब्द है, दोनों का निश्चित अर्थ है और दो निश्चित अर्थों को ये मिलाकर बना है। यानी ये संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इन अन्य दूसरे शब्दों के योग से बनते हैं यौगिक शब्द, ठीक है। और इनका अपना खंड करने पर, टुकड़ा करने पर भी दोनों शब्दों के ही निश्चित अर्थ बनते हैं। जैसे देखिए मैंने आपको पाठशाला बताया बेटा,
यह पाठ और शाला दो शब्दों से बना है और दोनों ही शब्दों का अर्थ भी है और दो सार्थक शब्दों से जो तीसरा शब्द बना पाठशाला उसका भी अपना निश्चित यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब इसके आगे देखिए बेटा तीसरा है देखो ये रूढ़ के नाम से पता चल रहा है कि ये यौगिक भी है और ये रूढ़ भी है, ठीक है, ये दोनों का मिला जुला रूप है। अब ये है क्या चीज, देखिए वे शब्द जो यौगिक होने पर भी, यानी दो यौगिक का मतलब क्या हुआ, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय इनसे मिलकर बनने वाले शब्द, ठीक है, यानी दो शब्दों के को मिलाकर शब्द भी बनते हैं, ये सामान्य अर्थ को लेकिन प्रकट नहीं करते जैसा रूढ़ में होता है, ये दो शब्दों के योग से बने इसलिए यौगिक है, यानी यौगिक शब्द तो है ये लेकिन रूढ़ की तरह ये कोई विशेष अर्थ सॉरी सामान्य अर्थ को प्रकट नहीं करते हैं बल्कि शब्दों के समान किसी विशेष वस्तु के लिए ये प्रसिद्ध होते हैं या इनका अर्थ किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित किया गया है। देखिए जैसे हाँ बेटा बोलिए, दिखाई नहीं दे रहा क्यों, पता नहीं ब्लैक ब्लैक हो गया, मैंने तो जूम कर रखा अच्छे से तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको, ले तो मैं बोल रही हूँ बेटा उस पे आप कंसंट्रेट करिए, ठीक है ना। Yes, हाँ तो देखो यो रूढ़ शब्द तो कौन से हुए, ना तो दो शब्दों के योग से बने हैं और ना ही टुकड़े करने पर कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है। फिर योगी क्या हुए, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय दो प्रकार के शब्दों के योग से बने हैं और उस तीसरे शब्द का भी निश्चित अर्थ है और दोनों पदों का अलग करने का भी निश्चित अर्थ है। फिर योग रूढ़ योगिक तो है यानी दो शब्दों के मेल से तो बने हैं लेकिन उनका अपना अर्थ नहीं होकर वे किसी अन्य विशेष वस्तु के लिए निश्चित है। जैसे पहला उदाहरण मैं आपको बता दूं बेटा, पंकज एक शब्द है, दो टुकड़े करते हैं यदि हम इनके, जैसे पंख और अज, पंख और जय का मतलब क्या हुआ, पंख यानी कीचड़ और जय मतलब जन्मा, यानी पंकज से, पंख यानी कीचड़ से उत्पन्न, तो कीचड़ से तो और भी वस्तु उत्पन्न होती है लेकिन जो पंकज शब्द है ना ये पंकज शब्द कमल के लिए प्रसिद्ध है तो यहाँ पंकज हम केवल कमल को ही कहेंगे, किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य के लिए ये शब्द प्रसिद्ध या निश्चित नहीं किया गया है। इस तरीके से मैंने आपको शब्दों के दो प्रकार के भेद बताए, अर्थ की दृष्टि से सार्थक और निरर्थक, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ यौगिक और यौगिक। अब आपके आगे टॉपिक आ रहा है बेटा नेक्स्ट, हिंदी का शब्द भंडार, यानी आगे जो हम पढ़ेंगे वो जो शब्द है आपके अन्य शब्दों के भेद पढ़ेंगे, किसके आधार पर पढ़ेंगे, उत्पत्ति मतलब उद्गम और स्रोत के आधार पर, तीन भेद है तत्सम सॉरी चार है तत्सम और विशेषण। अब ये जो शब्द लिए गए ना तत्सम तत्व, जैसे मैंने हम बोलचाल की भाषा में कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हमारी भाषा में उर्दू के शब्द भी आते हैं, हिंदी के भी आते हैं, संस्कृत के भी आते हैं, हम बोलते बोलते इंग्लिश के वर्डों का भी प्रयोग वर्ड्स का भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो अब ये अलग अलग जो शब्द हमारी भाषा में आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, दूसरी अन्य भाषाओं से लेकर हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो जो ये भेद बताए हैं आपको तत्सम तद्भव ये उसी उत्पत्ति के आधार पर ही बताए गए हैं, अन्य समाज से अन्य जाति, ठीक है बेटा। तो ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब यहाँ तक यदि किसी को नहीं समझ में आया, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा आप लोग। नो मैम, नो मैम, नो मैम, ठीक है। तो अब ये पार्ट हम जो है ना पार्ट इसका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, आज की क्लास यही खत्म करते हैं बेटा। ध्यान आया क्या मैम? हाँ बेटा बोलिए। ये चैप्टर है ना वर्ण विचार, इसके वो किस नाम से कॉपी में पढ़ने क्या फायदेमंद होगा, वैसे तो बुक में है सारे आंसर लेकिन अगर आप कॉपी में, फिर एग्जाम में कैसे याद करोगे, फिर कंफ्यूज होते रहोगे, अभी तो आपने समझ लिया, इसलिए आप कर सकते हो। ओके।